ये मेरी कैप है, इसको मैं ऐसे पहन लेती हूँ, और इसे मैं कहती हूँ जादुई टोपी, जादुई कैप, ठीक है, मैजिक कैप। तो जब ये कैप ऐसे मैं पहनती हूँ तो बच्चों को समझ आ जाता है आज मैम कोई न्यू लेटर सिखाने वाली। और तो आप ऐसे अपनी कैप, बर्थडे कैप होती है वो रख सकते हैं, कोई सर्दी की कैप, कोई गर्मी की कैप, या कुछ भी कैप। अगर कैप नहीं है तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बाउल भी रख लीजिए, कोई डोंगा, कोई कटोरी, कुछ भी ऐसा, और उसके अंदर हमने लेटर डाल। अभी ऐसे तो नहीं दिख रहा ना, किसी को दिख रहा है इसके अंदर क्या? नहीं नहीं ना, तो हम बच्चों क्या बोलेंगे, दिस इज माई मैजिक कैप, ये मेरी मैजिक कैप है। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। सब बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाएंगे, बड़े उनके अंदर उत्साह आ जाएगा, अरे अरे आज कुछ नया हो रहा है क्लास में, बड़ा ही मजा आ रहा है। तो बच्चों का बोलेंगे कौन इसमें हाथ डाल के देखना चाहेगा, तो हम इसको कुछ गाना भी बना सकते हैं। व्हाट इन माय मैजिक कैप, मतलब मेरी मैजिक कैप में क्या है, व्हाट इन माय मैजिक कैप, हेलो 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 हेलो, व्हाट इन माय मैजिक कैप। और फिर बच्चों अपना हाथ डालिए, देखिए आपको भी हंसी आ रही होगी मैं ऐसा कर रही हूँ, सोचिए आप हंस रहे हैं तो बच्चे कितने खुश होंगे। देख तो लेटर एस स्टार किसी ने लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। अब आप देखिए ये सब जब शुरू हो रहे हैं तो इनकी साउंड ही स्टार, सन, सक्सेसफुल, सूरज, सनलाइट, स्ट्रॉबेरी, सैंडविच। आप पहली साउंड क्या है, यही है पहली साउंड, क्योंकि एस की साउंड क्या होती है, स्नेक वाली, स्नेक, स्नेक की भी पहली साउंड क्या है, तो ये सब साउंड्स होती हैं जो हर लेटर की होती है, ठीक है। अब हमने पहला लेटर एस बच्चों को दिखा दिया, और पहला दिन है हमारा, आज हमने लेटर एस दिखाया, हमने उनको बोला अरे ये हमारी मैजिक कैप के अंदर लेटर है।